हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फजल अंसारी व्लॉग्स। सो आपको टाइटल थंबनेल लेके पता चल ही गया होगा कि मैं वापस से आज गेटी गैलेक्सी जाने वाला हूँ पठान मूवी रिव्यू के लिए। तो मैं वहीं चल के पब्लिक से पूछूंगा कि उनको मूवी कैसी लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मूवी को 1 वीक हो गया है। सो देखते हैं वहाँ पर और कितना क्रेज़ है पठान मूवी का। पठान मूवी बहुत अच्छी है, दूसरी बार देखने जा रहा हूँ मैं भाई। बेस्ट मूवी हम लोग देखने आ रहा है, 2 बार शो देखने आ रहा है। पठान बॉयकॉट गैंग, जितनी भी बार देखा हुआ मूवी वो भी कम है। पठान इज बैक, वही बोल रहा हूँ, पठान जिंदा है अभी। बहुत एक्साइटमेंट है, बिगर एक्साइटमेंट का थोड़ी है यार। भाई शाहरुख खान का फैन भाई, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता भाई। पठान जिंदाबाद भाई, और क्या बोले बोल भाई, बोले जितना विवाद फैलाया वो फैलाया, उससे फिल्म को डबल हिट कर दिया लोगों ने, और क्या है। अगर विवाद नहीं होता तो इतनी फिल्म चलती रही। तो पठान पठान है भाई, तो पठान तो हिट है, वो भी मस्त है, इसीलिए देखने जा रहे हैं। वो तो हुआ था अभी, एक्चुअली हमारी 3री टाइम है इधर देखने के लिए। इधर जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं मिलती है। और शाहरुख की पिक्चर, वो भी इतने लोग जो बायकॉट किए थे उसकी वजह से पब्लिक जो ये कर रही है उन लोगों को काफ़ी फुल सपोर्ट दे रही है। तो मुझे एक चीज़ पूछना है, आपने मूवी पहले भी देखी है कि अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? तीसरी बार है ये। तीसरी बार देख रहे हो, तो थोड़ा सा बताएंगे मूवी के बारे में। मूवी तो बहुत अच्छी है, बाकी पब्लिक देख रही है, आपको रिपोर्ट मिल रही है। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पठान को डायरेक्ट किए है सिद्धार्थ आनंद जी, इससे पहले उनकी 2 मूवी आई थी, एक बैंग बैंग आई थी और एक वॉर आई थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे डायरेक्शन के बारे में? काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। 3 hours later बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। शाहरुख खान की कैसे लेके 4 साल बाद कमबैक? मस्त, एक नंबर पिक्चर। और जो डायरेक्टर बने हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सिद्धार्थ आनंद जी? अच्छा है, बट कंफर्टेबल, बहुत। मूवी कैसी लगी सर? एक नंबर सा, फैंटास्टिक। कैसी लगी मूवी? एकदम मस्त। शाहरुख खान के बारे में? बढ़िया, अच्छा, सुपर हीरो, सुपर हीरो। मूवी कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छा लगा, एक नंबर। कमबैक कैसा लगा आपको? एक नंबर है, बहुत अच्छा। मूवी कैसी लगी सर? अच्छी है सर। आपको मूवी कैसी लगी सर? अच्छा, गुड गुड। शाहरुख खान कैसे लगे? अच्छा। कैसी लगी मूवी आपको? सुपर सुपर। मूवी कैसी लगी सर? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सुपर। कैसी लगी मूवी? हिट है भाई, ब्लॉकबस्टर। कैसी लगी मूवी? एक नंबर भाई, एक नंबर। मूवी कैसी लगी? बहुत मस्ती भाई। शाहरुख खान कैसे लगे आपको? बहुत मस्त, बहुत मस्त लगी, एक नंबर भाई। शाहरुख खान कैसे लगे? सॉलिड सॉलिड, बेस्ट। जॉन अब्राहम? जॉन अब्राहम भी अच्छा लगा। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मूवी, बहुत अच्छा मूवी। शाहरुख खान के बारे में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मूवी कैसी लगी सर? सबकी जान भाई जाने का नंबर। मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छा, मस्त लगा। शाहरुख खान के बारे में क्या बोलना? एक नंबर जबरदस्त, एक नंबर मूवी। शाहरुख खान एंड सलमान खान के बारे में? शाहरुख खान भाई और सलमान खान दोनों बॉस, और लास्ट में एक डायलॉग दोनों भाई लोग ने मारा ना कि देश का सवाल है, बॉलीवुड को तो अपने को ही चलाना पड़ेगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम एक नंबर, बिगड़ा है आंधी तूफान, एक नंबर है। वो डायलॉग कैसा था? मस्त डायलॉग। मूवी कैसी लगी? बेहतरीन, लाजवाब, बेमिसाल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। मूवी कैसी लगी सर? एक नंबर, एक नंबर, बहुत अच्छी मूवी भाई, बहुत अच्छी। एक नंबर भाई, शाहरुख खान ने सलमान खान पठान। फिल्म रहेगी ये, बहुत अच्छा फिल्म, अच्छा है, मगर सलमान खान निकल गया और ज्यादा अच्छा हुआ भाई। पैसा उसमें है, एक नंबर। शाहरुख खान ने सलमान खान, बहुत सलमान और टाइगर दोनों एक साथ मिल गया, एक नंबर लग रहा है भाई। सुपर डुपर हिट है भाई, पठान 2 बनाने बोलो भाई शाहरुख भाई को। सलमान खान ने शाहरुख खान के बारे में? दोनों भाई टाइगर 3 का 4 का 5 का वेट कर रहे हैं भाई सब। एक नंबर भाई, सलमान खान के एक नंबर, शाहरुख खान और सलमान खान मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी संभाल लो भैया। कैसी लगी मूवी? बढ़िया मूवी है भाई, बहुत अच्छा लगा पठान देख के भाई। भाई बहुत अच्छी लगी भाई, किंग भाई है, बहुत अच्छी पिक्चर लगी, बहुत मस्त, ऐसी पिक्चर कभी देखा ही नहीं। पिक्चर सड़ेला था लेकिन दीपिका पादुकोण एक नंबर, वो मजा है दीपिका, एक नंबर, बहुत बढ़िया, पैसा वसूल पिक्चर एकदम पूरा अच्छा है। कैसी लगी? बहुत अमेजिंग मूवी, मजा आ गया, आप भी जाके देखो ना।
ऑल टाइम ब्लॉक मास्टर गया पठान का, बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी? एक नंबर, पैसा वसूल। कैसी लगी? एक नंबर, फुल पैसा वसूल। अच्छी लगी, अच्छी। शाहरुख खान या सलमान खान? दोनों अच्छे थे, बहुत अच्छे एक्शन। शाहरुख खान या सलमान खान? दोनों ही। एक नंबर शाहरुख खान या सलमान खान? एक नंबर है, कैमरे एक नंबर था। मूवी कैसी लगी सर आपको? मस्त, एक नंबर। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान, शाहरुख दोनों अच्छे लगे। दोनों बहुत सही थे भाई। सर आपको अच्छा? अच्छी है। शाहरुख खान या सलमान खान? सब अच्छा, बढ़िया। मूवी कैसी लगी? काफ़ी अच्छी लगी दोस्त। शाहरुख खान या सलमान खान के बारे में? काफ़ी अच्छा लगी जोड़ी, काफ़ी टाइम बाद दोनों साथ में दिखे। कितने स्टार देंगे? चार। एकदम जबरदस्त, एक नंबर भाई। शाहरुख खान या सलमान खान के बारे में? बहुत आर हिट, सुपर हिट, बहुत आदर। लीजेंड कितना देंगे? पाँच ही देंगे, लीजेंड दोनों है तो क्या है फिर दोनों। जॉन अब्राहम के बारे में? जॉन अब्राहम भी ठीक है, बहुत बढ़िया, सुपर। शाहरुख खान सलमान खान के बारे में? शाहरुख खान का तो बेस्ट, एकदम सुपर डुपर। शाहरुख खान सलमान खान? दोनों सुपर डुपर। कितना स्टार देंगे? हाँ, कितना स्टार? 5 स्टार। 5। कैसी लगी मूवी? अच्छी है मूवी, एक नंबर। शाहरुख खान सलमान खान? दोनों एक नंबर। कितना स्टार देंगे? 10/5। एक नंबर। शाहरुख खान या सलमान खान? ऑब्वियसली सलमान खान। कितना स्टार देंगे? 5 स्टार। 5 स्टार। 5 में से 5। और जॉन अब्राहम? जॉन अब्राहम अच्छा लगा यार। मेरा नाम आरजे पाशा है और मेरा खुद का भी एक चैनल है और मैं 3 बार ये मूवी देख चुका हूँ और आज मैं फिर से ये 4थी बार देखने आया हूँ। मैं, मेरे साथ में मेरी फैमिली है और भी मेरे टीम के लोग हैं बहुत सारे। बहुत ज़बरदस्त मूवी है और जितना भी इसके बारे में तारीफ़ की जाए बहुत कम है, तो मैं जितना कहूँ और जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी हो सके अनभक्तों का आप जो है जवाब दो, उनका जो विरोध करो, और इस फिल्म में हमने मुँह तोड़ जवाब दिया है अनभक्तों को, और जितना हो सके शाहरुख खान को सपोर्ट करो, और मैं और मेरी टीम शाहरुख खान को सपोर्ट करती है, और इसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। और एक ये बहुत ही स्पाई यूनिवर्स की एक ऐसी मूवी है, फर्स्ट मूवी है जिसके बारे में तारीफ़ करना मतलब शब्द ही नहीं बनते, इसके जितना भी कह सकें हमारे लिए बहुत कम है। बिल्कुल एक ज़बरदस्त जोड़ी है, जो एंट्री है सलमान खान की वो तो फिल्म की एक जान है, इसके बारे में जितने भी शब्द कह जाएं, एक ऐसी एंट्री हमने आज तक किसी फिल्म के अंदर नहीं देखी, ऐसी ज़बरदस्त एंट्री है कि इसका कोई भी जो है तोड़ ही नहीं है। और आगे जो शाहरुख खान और सलमान खान की साथ में टाइगर में इन दोनों की जोड़ी आने वाली है और दुनिया देखेगी कि शाहरुख खान का विरोध करने वाले जो हैं आज वो उल्टे मुंह गिरे हैं। डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, सीन बहुत ज़बरदस्त है, और जितना भी इनके डायरेक्शन के बारे में कहा जा सके सिद्धार्थ के बारे में बहुत ही मतलब बहुत ज़बरदस्त जो डायरेक्शन देते हैं, और इस फिल्म ने तो उन्होंने जो है साबित कर दिया है कि आगे भी ये अच्छे जो है फिल्म देंगे और जनता को जो इसी तरह प्यार मिलता है, जनता का प्यार मिलता रहेगा। शाहरुख खान मेरी जान, शाहरुख खान तो जो है पूरे दुनिया की जान है, और इसके बारे में जितनी भी पठान के बारे में तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। जॉन अब्राहम सर के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए जॉन अब्राहम का तो एक ज़बरदस्त जो है नेगेटिव रोल है, और इस रोल के बारे में हम इसकी भी तारीफ़ करते नहीं बन पाते, क्योंकि जितने भी रोल हैं XYZ, चाहे वो जॉन अब्राहम हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो और कोई भी हो, तो जितना जैसे आपने देवदास, शोले और जितनी भी फिल्में देखी हैं, जो कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको कभी नहीं भूला जा सकता, ये ऐसे सीन होते हैं जिनके अभिनय को हम हमेशा याद रखते हैं। दीपिका मैम के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए दीपिका मैम इज़ वेरी हॉट। दीपिका मैम का आज तक हमने इतना हॉट सीन देखा नहीं और ऐसा अभिनय उनका देखा नहीं, उन्होंने फिल्म के अंदर एक नई जान डाली है, और इसके बारे में जितनी तारीफ हो सके वो कम है। फिल्म के VFX के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए सभी कुछ ज़बरदस्त है, किसी के बारे में देखिए, इस फिल्म ने जो है 21 रिकॉर्ड तोड़े हैं और अभी डे बाई डे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, इसका जितना भी तारीफ करें वो कम है। सो मूवी आने से पहले कुछ बॉयकॉट का न्यूज़ आ रही थी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अनभक्त तो करते रहते हैं, उनका काम है अनभक्ति करना और हमारा काम है उनको जवाब देना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इनको जवाब दो, मुँह तोड़ जवाब दो। इन्होंने बेशक इन्होंने जो है लाल सिंह चड्ढा का जो है विरोध किया, उसके बाद अनभक्तों को जो है पठान में जवाब मिल चुका है।
आउट ऑफ 5 कितना स्टार देंगे सर? देखिए मैं तो इस फिल्म को 10 में 10 दूंगा। मूवी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मूवी तो बहुत ही फंटास्टिक है और बहुत ही अच्छी मूवी है और हम तो इस मूवी को बार बार देखेंगे, चाहे कितने का भी हो टिकट हम तो ले लेंगे। और मेरे साथ में हमारी मेरी पूरी फैमिली भी आई हुई है। अब हम चाहे इसके 2 शो देखे चाहे 3 शो देखे, मगर हम देखेंगे तो देखेंगे जरूर, चाहे टिकट कितने का भी हो। 4 साल बाद ये पिक्चर आई है और इस पिक्चर में जो टाइगर की जो लास्ट में जो एंट्री है सलमान की, ज़बरदस्त एंट्री है। और मुझे सबसे ज़्यादा दीपिका का, शाहरुख का, जॉन का और सलमान का बहुत अच्छा, मतलब जो उन्होंने रोल किया है बहुत अच्छा किया है। और जो ये जो करण अर्जुन जो है, ये जो आ गए अभी दोनों फिल्मों में, तो बॉलीवुड तो बच गया है, वरना पूरी साउथ की फिल्में आती थी और इन फिल्मों में ज़्यादा एक्शन भी इतना ओवर हो जाता था। लेकिन जो ये फिल्म जो आई है, ये पठान, ये बहुत ही अच्छी ये है फिल्म है और बहुत ही, मतलब जितना देखो उतनी ही इसकी तारीफ जितनी किए जाए उतनी कम है, और जितना देखो उतना कम ही है, यानी ऐसा लगता है कि बार बार देखते ही जाओ। और शाहरुख तो इतना, मतलब हैंडसम लगा है इस पिक्चर में इतना, और दीपिका बहुत ही, मतलब हॉट लगी है इस फिल्म में, क्या कहने हैं। और शाहरुख खान तो, मतलब वो तो सबकी जान है शाहरुख, और शाहरुख के 4 साल बाद पिक्चर आई है, बहुत अच्छी पिक्चर है, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं, मतलब बाहुबली हो चाहे KGF 2 हो, सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं और बहुत ही अच्छी ये कमाई करने वाली है शायद से, और करेगी भी। और एक वर्ड शाहरुख एंड सलमान के लिए, वही तो मैं बोली आपको कि करण अर्जुन आ गए, बॉलीवुड बच गया है और आगे भी आएंगे तो बहुत ही अच्छा है। आउट ऑफ 5 कितना देंगे? मैं तो 200 में से 200 दूंगी अगर हो तो, चलो 10 में से 10 दिए, तो 100 भी हो 200 भी हो तो भी। जॉन अब्राहम का काम कैसा? अरे बहुत अच्छा है, जॉन अब्राहम ने भी बहुत अच्छा काम किया है, उनकी भी एंट्री बहुत, मतलब ज़बरदस्त है। जो आते हैं ना वो पहन के, मतलब चेहरे पे मास्क पहन के जो आते हैं, और बहुत ही, मतलब अच्छा है, सब 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 एक्टर का काम बहुत अच्छा है, बहुत उन्होंने अच्छा किया। अच्छा, मूवी रिलीज़ हुई है 25 जनवरी को और उसके ठीक दूसरे दिन बाद 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो उसके बारे में क्या बोलना है रिलीज डेट के बारे में? अरे रिलीज डेट के फौजी के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर फिल्म है ये, तो वो तो आनी ही थी, देशभक्ति के ऊपर है। और 26 जनवरी भी थी तो 25 तारीख को, मतलब 26 जनवरी के पहले दिन ही लग गई है, तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब आपके हिसाब से रिलीज डेट परफेक्ट है, राइट? परफेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।